Just a second, I'll just share the screen with you. अब ऐसा है कि आई थिंक आई हैव रिपीटेड इट मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, जिसका भी फी का इंस्टॉलमेंट में नहीं आया अभी तक, पॉजिटिवली आप पे कर देना सो दैट वी कैन प्रोसीड फॉरवर्ड. आई जस्ट वॉन्ट दैट ऑल द स्टूडेंट्स कैन बी एडेड टू ऐप इन वन गो. ठीक है, बिकॉज सम ऑफ यू स्टिल हैव टू पे द फी इंस्टॉलमेंट, आई कैन सी, सो यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू पे दैट. बुकलेट निकाल लो. बुकलेट पेज 15 निकाल लो बुकलेट का. निकाल लिए. ओके, यस सर। द फर्स्ट एक्शन दैट विल डू इज डार्ट. अब ये देखो, दिस इज टॉलिन. टॉलिन में हम डालते हैं KMnO4. पड़ा हुआ है रिएक्शन, टॉलिन में KMnO4 डालते हैं तो क्या बनता है? बेंजोइक एसिड. बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? KMnO4. टॉलिन लिया हमने, टॉलिन में अगर तुम KMnO4 डालोगे यू विल एंड अप विथ बेंजोइक एसिड. अब हमने सपोज प्रोपाइल बेंजीन लिया, दिस इज एन प्रोपाइल बेंजीन. मैंने इसके अंदर KMnO4 डाला, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट शुड फॉर्म? बोलो. एनी आइडिया? किसी का कोई? सॉरी, प्रोपोनोइक एसिड ऑन बेंजीन में. ओके, थ्री कार्बन्स इन एसिड. अब क्या होता है इस केस में, तुम्हारे पास ये बन रहा है. अगेन यू एंड अप विद बेंजोइक एसिड. और ये रिएक्शन बहुत भूलता है बच्चों को. मैं रिंग के ऊपर अगर एक स्ट्रेट चेन में जितने मर्जी कार्बन लगा रहा हूं, अगर मैं KMnO4 डालूंगा आई विल एंड अप विद बेंजोइक एसिड. तो नॉर्मली बच्चे जो फील करते, जो बनना चाहिए, तुम लॉजिकली ये सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि ये बनना चाहिए. तुम ये सोच रहे थे कि ये बनेगा, ठीक कह रहा हूं? दिस इज एग्जैक्टली जो नहीं बनेगा. दिस क्वेश्चन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेट इट रॉन्ग बिकॉज वो इसको लॉजिकली उसको कंप्रिहेंड करते हैं. लॉजिक ड्रिवन नहीं है, इसका एक रीजन है. वो रीजन क्या है? एक तो ये दोनों रिएक्शन बिल्कुल नीटली, क्योंकि नीचे वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहीं गलती होगी. दोनों रिएक्शन बिल्कुल नीटली पेज 15 के जो साइड वाला पेज खाली है उस पर लिख लो. ये दोनों रिएक्शन अब बेंजीन के ऊपर जो कार्बन लगा होता है डायरेक्ट कार्बन जिसके ऊपर लगा, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन. दिस बेंजाइलिक कार्बन इज हाईली ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन, बड़ी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है. तो इसमें यहां तक ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, वो यही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बन चेन टूट जाएगा. तो पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन है बेंजाइलिक कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड वेरी इजीली. अब
ध्यान से कंसेप्ट समझना, रिएक्शन ये थोड़ा सा मुश्किल है बाकी रिएक्शन से। हमने ये लिया टॉलिंग, अब तुम इसको कंपेयर करो बेंजोइक एसिड के साथ। बेंजोइक एसिड है, कितने सी एच बॉन्ड टूट रहे हैं? ध्यान से देखो, टॉलिन को देखो और बेंजोइक एसिड को देखो और ये बताओ कितने सी एच बॉन्ड टूट रहे हैं। अरे इसमें इसमें कहीं भी सी एच बॉन्ड है क्या? इसमें सी का बॉन्ड एच के साथ नहीं है। देखो ध्यान से, सी का बॉन्ड किसके साथ है? ओ के साथ। तो अगर इससे ये बन रहा है तो तीन सी एच बॉन्ड टूट रहे होंगे। समझ आ रहा है आपको? Yes. अब तुम एक बार बेंजल्डिहाइड को देखो, अगर टॉलीन से बेंजल्डिहाइड बन रहा है तो कितने सी एच बॉन्ड टूट रहे होंगे? दो। तो टॉलीन से बेंजल्डिहाइड बनना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बेंजाइलिक कार्बन इतना जल्दी ऑक्सीडाइज होता है कि तीनों सी एच बॉन्ड टूट जाते हैं और एसिड आ जाता है। तो उसका एग्जाम्पल मैंने तुम्हें ऊपर बताया कि यहाँ पे एक कार्बन हो तो भी बेंजोइक एसिड बनता है, तीन हो तो भी बेंजोइक एसिड बनेगा, दस होंगे तो भी बेंजोइक एसिड बनेगा क्योंकि बेंजाइलिक कार्बन बड़ी जल्दी ऑक्सीडाइज होता है। तो टॉलीन से बेंजाइल्डिहाइड बनाना चैलेंजिंग है बिकॉज वो फटाफट एसिड बना देगा। तो हम एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे? बेंजाइल्डिहाइड हम इस कार्बन को, बेंजाइलिक कार्बन को, इसको हम ट्रैप कर लेते हैं। इसके साथ अगर हम बड़े बड़े ग्रुप लगा दें तो ये हाइड हो जाएगा, विच इज कॉल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इस तक ऑक्सीडाइज होना इसका मुश्किल हो जाएगा। तो अब इटार्ड रिएक्शन क्या है, ध्यान से समझना। पेज 15 पे जो ऊपर दिया हुआ, पहले तो ये तुमने दोनों रिएक्शन नोट कर लिए 15 पेज के साइड पे, ये दोनों नोटेड है? यस सर। ओके, अब ध्यान से देखना रिएक्शन। ये टॉलीन है, इसमें हमने ऐड किया दिस क्रोमाइल क्लोराइड, ये बनेगा सी एच ओ सी आर ओ एच सी एल टू ओ सी आर ओ एच सी एल टू। तुमने इस कार्बन को ये बड़े ग्रुप लगा के ट्रैप कर दिया। अब ये कार्बन ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ये जो इक्वेशन इस वक्त स्क्रीन पे लिखी हुई है, ये बैलेंस है या नहीं है? डू यू फाइंड दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट? जस्ट आंसर मी दैट। अरे तो मुझे इसको बैलेंसिंग भी चेक करना नहीं आता क्या? बैलेंस है इक्वेशन। अगर तुम क्लोरीन चेक करोगे, क्लोरीन कितने रिएक्टेंट साइड पे? चार, उधर चार हैं। देखो जो रिंग के ऊपर यहाँ पे तीन एच है, ये तीन एच है, यहाँ पे एक दो तीन एच है, यहाँ पे चार ओ हैं, ये एक दो तीन चार, ये बैलेंस्ड इक्वेशन। सबको समझ आ रहा है ये बैलेंस्ड इक्वेशन है? यस यस। ने उस बेंजाइलिक कार्बन को क्यों ट्रैप किया? ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेप में We do simple hydrolysis. Benzaldehyde आ जाएगा। अब benzaldehyde कैसे आ रहा है मैं समझा रहा हूँ। ये मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में स्टीफन में भी बताया था, सेम प्रोसेस है। एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते। देखो अब ये टूटा, इधर OH, इस साइड पे H। तुमने एग्जाम में नहीं लिखना, तुमने सीधा एल्डिहाइड लिखना है। ये टूटा, यहाँ H, इस साइड OH। तुम्हें याद है लास्ट क्लास पढ़ा था एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते, क्या निकल जाएगा यहाँ से? वाटर, H2। वाटर निकल गया तो यहाँ O लगा हुआ है, CHO बन गया, एल्डिहाइड आ जाएगा।
आपने सिर्फ एग्जाम में हाइड्रोलिसिस देखना है, दैट्स इट। एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते, आपको लास्ट क्लास बताया था। अब इसमें जब तुम पहली बार कर रहे हो तो मीडियम ये है, ये मीडियम है, CH2 पे चार्ज नहीं होता। ये सिर्फ तुमने अपनी नॉलेज के लिए लिखना है कि ये नॉन पोलर मीडियम में हो रहा है, एंड यू अंडरस्टैंड वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। तो टॉलीन में, टॉलीन से वी कैन फॉर्म बेंजल्डिहाइड एंड द प्रोसेस विल इन्वॉल्व ट्रैपिंग ऑफ बेंजाइलिक कार्बन सो दैट इट डजंट गेट ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड। एसिड बनाना तो वैसे ही KMnO4 डाल के बना दो, ये तुम्हारा इटार्ड रिएक्शन है। दिस इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। अब हमने क्या किया, वी हैव सम रिएक्शंस व्हिच आर इंस्पायर्ड बाय इटार्ड, दे आर नॉट इटार्ड, बिल्कुल इसकी तरह है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये देखो बुकलेट में उसके नीचे ये दिया हुआ CH3 प्लस CH3CO CH3CO ओ ये एसिड अनहाइड्रेट लिया, एसिड में से वाटर निकाल दो आ जाएगा CrO3। इसका बीच वाला स्टेप देखना, ये तुमने रिएक्शन याद नहीं करना है, पर सिर्फ इसका बीच वाला स्टेप देखो OCOCH3 OCOCH3। यू सब्जेक्ट दिस टू हाइड्रोलिसिस, यू एंड अप विद द सेम प्रोडक्ट, बेंजल्डिहाइड आ गया। तो तुम्हें कुछ सिमिलैरिटी लग रही है दोनों रिएक्शंस में? ये बीच yes. वाला जो ट्रैपिंग का प्रोसेस है दोनों में सेम है, एग्रीड? yes, ठीक है। नाउ दिस इज नॉट इटार्ड रिएक्शन, ये इटार्ड नहीं है। बुक में देखो, मैंने स्पेशली एक लाइन लिख के, पेज 15 की सेकंड इक्वेशन देखो, मैंने स्पेशली एक लाइन लिखी, दिस इज नॉट इटार्ड। बोर्ड एग्जाम में इटार्ड आता है तो पहला वाला लिखना है, दूसरा वाला इटार्ड से इंस्पायर्ड है, पर वो इटार्ड रिएक्शन नहीं है। इटार्ड इज अ प्रीटी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर योर सिलेबस। ये आ गया समझ? Yes. अगर इटार्ड आएगा तो कौन सा लिखना है? फर्स्ट वन। फॉर द टाइम बिंग यू ओनली हैव टू मेमोराइज द फर्स्ट वन, यू डोंट नीड द सेकंड वन। वो पूछ ही नहीं सकते, पेपर में कन्वर्जन में आएगा तो मैं इटार्ड ही करके आऊंगा, इटार्ड पूछेंगे तो भी इटार्ड लिख के आऊंगा। दूसरा वाला रिएक्शन सिर्फ एक तरीके से आ सकता है पेपर में, सिर्फ एक तरीका है उसका। दे कैन टेल यू कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, देयर इज नो अदर वे दे कैन आस्क यू दिस रिएक्शन। ठीक है। नाउ इसका एक और वेरिएंट है इसी का, एनसीईआरटी में एक ही पेज पे तीनों रिएक्शन दिए हुए हैं, एक याद करना हमने इटार्ड, बाकी नहीं करने। अब यहां से देखो, ये CH3 है, ये बड़ा कॉमन केमिस्ट्री का रिएक्शन है, क्लोरीन डालते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, इसमें मिक्सचर आ जाता है, तो उसमें बीच में एक एक करके एच हट रहे हैं, बीच में ऐसे भी बनेगा, एक एक करके एच हटेगा तो बीच में दो एच भी हटेंगे। यहां तक समझ आया? अब तुम इसका हाइड्रोलिसिस कर दो तो भी ये बन जाएगा, ये भी ट्रैप्ड है। इस कार्बन को किसने घेरा हुआ दोनों तरफ से? क्लोरीन है, क्लोरीन इज अ लार्ज एटम, हाइड्रोजन से बहुत बड़ा होता है। ये दोनों इटार्ड से इंस्पायर्ड रिएक्शंस हैं, पर ये इटार्ड नहीं है, और इन दोनों में भी बेंजाइलिक कार्बन को हम ट्रैप कर रहे हैं। आपको ये समझ आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। अब सिर्फ इटार्ड रिएक्शन देखो, बाकी को दोनों को छोड़ दो। इटार्ड में जो बीच में बनाया हमेशा वो भूलेगा पेपर में, इसको एक दो बार लिखना पड़ेगा आपको, ओ सी आर ओ एच सी एल टू, ओ सी आर ओ एच सी एल टू, ये याद करना, दो तीन बार लिखना है इसको, ये भूलेगा। सबसे ज्यादा बार ये रिएक्शन भूलता है पेपर में, ये बीच वाला भूल जाता है, तुम्हारे कोर्स में है उसको याद करना तुमने। अब मैं एनसीईआरटी से एक चीज आपको दिखा रहा हूँ, आपको एनसीईआरटी निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्क्रीन पे देखना है तुमने। गिव मी अ सेकेंड। एनसीईआरटी नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। ये पेज 362 है, ये 363 पेज है। अब ध्यान से देखो, टॉलीन CrO2Cl2
क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ये पढ़ रहे हो क्या लिखा हुआ है? दिस इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। ये समझ आया सबको? यस सर। कोई बाय प्रोडक्ट नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना है, सीधा बोर्ड के पेपर में बेंजल्डिहाइड लिख के आना है। अब उन्होंने उसके नीचे इटार्ड का वेरिएंट दिया, CH3CRO3, ये लिया, ये ट्रैप किया, हीट किया बेंजल्डिहाइड, उसके नीचे क्लोरीन वाला दिया, क्लोरीन डाला सनलाइट की प्रेजेंस में, HNU = HNU होता, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी 11 में था, बेंजल क्लोराइड आया, उसका हाइड्रोलिसिस कर दिया बेंजल्डी। अब तुम इस पेज के page 363 ऑफ योर बुक पहली तीनों रिएक्शन देखो, ऑल हैव सेम रिएक्टेंट एंड सेम प्रोडक्ट, यू आर स्टार्टिंग विद टोलीन एंड यू आर एंडिंग विद बेंजल्डिहाइड। आ रहा है समझ? Yes, sir. The later two, दोबारा सुनो मेरी बात, the later two you don't have to do. For the time being, you only memorize Etard. Other two are inspired by Etard, वो पेपर में अपने आप याद आ जाएंगे, तुमने Etard याद करना है, Etard में टेस्ट में भी पूछूंगा और इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। ये समझ आ रहा है? NCERT नजर आ रही है सबको? Yes, sir. Okay. अब मुझे आंसर करो जो तुम्हें समझ आना चाहिए। अब मैं इस पे हूं जो हमें एग्जाम के लिए चाहिए, हम एग्जैक्ट उस पॉइंट पे आ रहे हैं, मैं इस पॉइंट पे हूं, टॉलिन पे। इसमें डाला KMnO4, बोलो क्या बनेगा, जल्दी बोलो। और ये लिख दिया तो इटार्ड हो गया। एग्जाम में दोनों तुम एक स्टेप में करोगे, यहाँ पे क्या बनेगा एसिड, और नीचे क्या बनेगा? आर यू क्लियर विद द डिफरेंस? जल्दी यस नो करो। यस सर। ओके, तो मैं इस पे इटार्ड पे आई विल जस्ट मार्क इम्पोर्टेंट, तुम लोग भी अपनी बुक में इम्पोर्टेंट लिख लेना इस पे। नाउ एक रिएक्शन हो गया हमारा, मैंने तुम्हें उसका बैकग्राउंड भी समझा दिया, और तुमने दोबारा मैं पूछ रहा हूँ ये 15 पेज के साइड पे नोट कर लिया, ये चाहिए होगा आपको बाद में, और तुम पक्का पेपर में ये गलत करके आओगे, ये वाला सारे बच्चे लिखते हैं CH2CH2CH, बेंजोइक एसिड बनता है, इसको याद रखना आपने, नोट कर लेना इसको। अब बेंजीन और बेंजल्डिहाइड, बेंजीन में यहां पे H लगा होता है, बेंजल्डिहाइड में क्या लगा हुआ है? CHO। क्या एटम्स के टर्म्स में क्या फर्क है दोनों में? इन टर्म्स ऑफ एटम्स कैन यू टेल मी द डिफरेंस? CO CO का फर्क है, तुम एक्चुअली इसमें CO ऐड कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड AlCl3। इट्स अ सिंपल मैथमेटिकल एडिशन। बेंजीन में 6 कार्बन है, बेंजल्डिहाइड में 7 कार्बन है। दिस कैन बी यूज फॉर असेंड ऑफ सीरीज ऑल्सो, यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन यूजिंग दिस रिएक्शन। बेंजीन और बेंजल्डिहाइड में कार्बन मोनोऑक्साइड का फर्क है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बेंजीन में ऐड हो जाता है इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, बट ये केमिस्ट्री की लैब में रिएक्शन नहीं किया जाता है, बिकॉज यू हैव स्टडीड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस होता है, पढ़ा हुआ है? व्हाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस? बिकॉज द ब्लड हैज मोर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन। तो ये लैब में नहीं करते, ये इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्री में अगर मुझे बेंजल्डिहाइड बनाना हो तो आई कैन यूज दिस रिएक्शन। मैंने तुम्हारी 15 पेज पे ही है, 15 पे देखो गेटरमैन कॉच लिखा हुआ है, आई जस्ट शो यू, ये तुम्हारी बुकलेट है 15 पेज पे, ये लिखा था दिस इज नॉट एन इटार्ड रिएक्शन, और उसके नीचे लिखा इन द अबव रिएक्शन बेंजाइलिक कार्बन इज ट्रैप्ड सो द फर्दर ऑक्सीडेशन टू एसिड डजंट टेक प्लेस। ये इटार्ड बता दिया तुम्हें, गेटरमैन कॉच, उसमें मैंने एक चीज लिखी है याद करने के लिए, जस्ट रिमेंबर दिस इज सिंपल मैथमेटिकल एडिशन। बेंजीन एंड बेंजल्डिहाइड, दे ओनली डिफर बाय कार्बन मोनोऑक्साइड,
we can add carbon monoxide in presence of HCl and AlCl3. या समझ गेटरमैन कॉच? तो जिनके पास बुकलेट है इस रिएक्शन के नीचे लिखो, गेटरमैन कॉच के नीचे लिखो, दिस कैन बी यूज्ड, दिस कैन बी यूज्ड फॉर, इसमें कार्बन बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। देखो, दिस कैन बी यूज्ड फॉर असेंडो सीरीज, दिस कैन बी यूज्ड फॉर ascend of series. इससे हम एक कार्बन बढ़ा सकते हैं, वो जो कार्बन बढ़ रहा है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है. अगर तुमसे पूछ लें कभी कि ये लैब में क्यों नहीं यूज करते तो क्या आंसर है भाई? दिस कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज़ इट इज पॉइजनस, because it is poisonous, so you don't, this is an industrial method, you do use it in industry itself. yahan tak samajh aa raha hai sabko? Yes sir. Okay, to ye do reaction ho gaye hamare, theek hai? dekho, तुम्हारा ये पेज 15 कंप्लीट हो जाता है, समझ आ रहा? तीन ही रिएक्शन, नीचे कौन सा दिया हुआ है? स्टीफन? यस सर. ओके, अब बुकलेट का पेज 22 निकालो. पेज 22, पेज पे कुछ रिएक्शन पे क्रॉस लगा होगा, मिले? यस सर. जिस पे क्रॉस लगा हुआ है सीबीएसई एग्जाम में नहीं आएंगे, मतलब इनडायरेक्टली वो नाम से नहीं पूछ सकते तुम्हें सीबीएसई में, बट दोज नेम्स इफ यू हैव टू डू यू कैन डू इट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. डायरेक्टली सीबीएसई में रिएक्शन नहीं पूछ सकते आपसे. इसमें अब जो एक रिएक्शन तुमने करना है, ये तुम्हारे कोर्स का सबसे एसिडिक ग्रुप है, COH. इसका नाम क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड. सो दिस एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिस इज मोस्ट एसिडिक. ये एसिड है, ये बहुत वीक बेस है, वीक बेस. एसिड प्लस बेस क्या बनेगा ये बता दो मुझे. एसिड प्लस बेस विल गिव यू व्हाट? सॉल्ट. सॉल्ट बना दिया, ये सॉल्ट है. प्लस बोलो, प्लस वाटर, प्लस इसमें बनता है CO2. अब तुमने ये टेस्ट रिएक्शन है, टेस्ट रिएक्शन, टेस्ट रिएक्शन तुम्हें पढ़ाया टॉलरेंस फैलिंग 2,4-DNB. टेस्ट रिएक्शंस आर इधर बेस्ड ऑन कलर और स्मेल. दिस इज कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट. Sodium bicarbonate is a weak base. This will only react with strong acid, like acetic acid. In terms of organic compounds, it is a pretty strong acid. The test is actually, you have studied that carbon dioxide turns lime water milky. पढ़ा होगा सबने? Yes. Yes, sir. छोटी क्लास में पढ़ा होगा. तो तुम एक weak base ले रहे हो. अब ये वीक बेस अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, एल्डिहाइड के साथ नहीं करेगा, कीटो के साथ नहीं करेगा, पर एसिड के साथ करेगा. और जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. तो टेस्ट रिएक्शन हो गया अपने आप. तो 22 पेज पे देखो बॉक्स में क्या लिखा हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दिया है. बॉक्स बना हुआ है वहां पे, इक्वेशन समझ आ रही है उसकी? चेक करो इक्वेशन. क्लियर है? यस यस सर. यहां तक समझ आ गया सबको? यस सर. ओके, तो एक बार देख लेते हैं. ये देखो अब जो हमने करना है, अभी 15 पेज हमने कर लिया, 16 हमने पहले कर लिया था टॉलरेंस वैलिंग 2,4-DNP अमोनिया डेरिवेटिव वाला है.
तो 17 पेज पे, ये 17 पेज पे हूँ, ये वाला हमारा रह गया, ये पूरे 12th का सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, तो इस पर हम पूरी क्लास स्पेंड करेंगे आइडोफॉर्म पे, वन इंटायर क्लास विल डू दिस रिएक्शन। 19 हमने नहीं किया है, वो छोटे छोटे रिएक्शन है। 19 से तुमने किया एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, नेक्स्ट पेज पे कैनिजारो, फिर HVZ जो लास्ट लास्ट पढ़ा था, और ये तुमने करना नहीं है, ये अब हमने पढ़ा है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट इज गिवन बाय एसिड्स एंड हाउ इज इट अ टेस्ट रिएक्शन बिकॉज द CO2 सो इवॉल्व टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये आ गया सबको समझ, क्लियर है? Yes. आज हमने कितने रिएक्शन पढ़े हैं अभी तक? 3। पहला कौन सा पढ़ा था आज? इटार्ड। दूसरा था गेटरमैन कॉच, विच वाज सिंपल मैथमेटिकल एडिशन, एंड द थर्ड वन दैट वी हैव डन इज सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ये तीनों समझ आते हैं सबको? यस सर। ओके, आज की क्लास का ये लास्ट रिएक्शन है, उसके बाद मैं तुम्हारा छोटा सा टेस्ट ले रहा हूँ। ये लास्ट रिएक्शन है। लास्ट क्लास में जो थोड़ा सा बताना पड़ेगा उसके लिए लास्ट क्लास, उससे पहले आई जस्ट आस्क यू वेरी स्मॉल क्वेश्चन, कैन यू टेल मी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन? सोचो, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन? कीटोन इज बिटवीन टू कार्बन्स एंड एल्डिहाइड इज एट द कॉर्नर। कीटोन, सॉरी, कीटोन इज बिटवीन, सर, कीटोन इज इन टू कार्बन्स, इट्स इन द सेंटर। या इफ इट इज इन द, इफ कार्बोनिल ग्रुप इज इन द मिडिल, कार्बोनिल बोलते हैं ना बच्चा, कार्बोनाइल अगर बीच में है तो कीटो है कोने पे, तो एल्डिहाइड है। सबको याद आ गया? yes, याद है? yes, sir. Okay, अब ध्यान देना यहाँ पे, ये रिएक्शन तुमने लास्ट क्लास पढ़ा है रोजनमंड, मैं एक बार लिख रहा हूं, एसिड क्लोराइड, ये एसिड से बनता है, कोई भी चीज जो एसिड से बनती है ना वो हमेशा कॉर्नर पे होगा, एसिड भी कॉर्नर पे होता है, ये भी कॉर्नर पे होता है, कॉर्नर वाले ग्रुप को बोलते हैं टर्मिनल, टर्मिनल कोने पे आए। तो रोजनमंड में क्या किया था हमने, इसमें हमने डाला था PDBSO4, पिछली क्लास का रिएक्शन है ये रोजनमंड, तो एल्डिहाइड आ गया था हमारे पास, दो एच चाहिए होते हैं, एक सीएल को ले जाएगा और एक एच वहां लग गया, ये एल्डिहाइड आ गया। सो एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनता है रोजनमंड, डन है ये। अब मुझे एसिड क्लोराइड से कीटो बनाना है, एसिड क्लोराइड लिया एंड आई वांट टू फॉर्म कीटो। तुम सोचो, ये लाइन है, किसी का घर कॉर्नर पे है, इसमें मैं चाहता हूं इसका घर कॉर्नर में ना हो, बीच में हो जाए, मैं क्या करूं? साथ में एक और घर बना दो। आया समझ? yes, कीटो कहां लगा होता है? बीच में। तो तुम एसिड क्लोराइड से कीटो कैसे बनाओगे? ये मैं ऐसे, क्योंकि NCERT में ना ऐसे लिखा है, एल्डिहाइड और कीटो एक ही फैमिली, कि नाइट्राइल से एल्डिहाइड कैसे बनता है, नाइट्राइल से कीटो कैसे बनता है, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड कैसे बनता है, कीटो कैसे बनता है। एल्डिहाइड हम पढ़ चुके हैं, हम कीटो पढ़ रहे हैं। अब इसको सिर्फ बैलेंस करने के लिए मैं दो बार लिख रहा हूं, और कोई रीजन नहीं है, तुम आगे 2 लिखोगे बोर्ड एग्जाम में। मैं एसिड क्लोराइड 2 बार लिखा है यहाँ पे, दैट इज ओनली टू बैलेंस। एसिड क्लोराइड कैसे बनता था याद है तुम्हें? पिछली क्लास में बताया था, एसिड में PCl3 डाल दो या PCl5 डाल दो या SOCl2 डाल दो, वही वाला एसिड क्लोराइड, ठीक है? एसिड क्लोराइड है हमारे पास, इसमें भी एक नई चीज सीख रहे हो, तो इसमें हम डालते हैं डाई एल्काइल कैडमियम। मैं स्पेसिफिक ले रहा हूँ, मिथाइल ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग मिथाइल। इसका जनरल नेम होता है डाई एल्काइल कैडमियम, कैडमियम इज अ मेटल, ये स्पेसिफिक का नाम है डाई मिथाइल कैडमियम। तो होगा क्या, ये बाहर निकल जाएगा, ये वाला हिस्सा, ये बनता है सॉल्ट CDCl2, CDCl2 निकल गया, भगाने वाले पार्ट को जोड़ दो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये आया समझ? यस नो? अब जो एसिड क्लोराइड था उसमें कितने कार्बन थे? 3। जो कीटो बना उसको कितने कार्बन है? 4।
अरे अगर किसी कोने वाले को बीच में लाना पड़ेगा तो साथ में एक्स्ट्रा कार्बन तो लगाने पड़ेंगे, बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, नाउ दिस कंप्लीट्स योर पेज 14। ये 14 पेज पे रोजनमंड के नीचे दिया हुआ, 14 पेज हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखो, ये रोजनमंड था, पिछली क्लास में पढ़ा था, PDBSO4 वाला, मैंने बोला था बॉलिंग ज़ाइलिन वगैरह काट दो, ये नहीं चाहिए होता। अब ये देखो, only aldehydes can be prepared by Rosenmund reaction. Ketones can be prepared from acid chloride by treating them with dialkyl cadmium. ये equation जो मैं highlight कर रहा हूँ नीचे वाली, ये समझ आती है आप लोगों को? देखो एक बार। Yes sir. Yes. यहाँ पे इसको balance करना तो 2 लिख लो, CH3CO CH3CH2COCl है, CDCH3CH3 butanone आ गया। इसके नीचे एक लाइन लिखो, अगर बुकलेट है तो इसके नीचे एक लाइन लिख लो, दिस कैन बी यूज्ड फॉर असेंड ऑफ सीरीज। असेंड ऑफ सीरीज क्या होता है? इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन्स। और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, यू कैन इंक्रीज बाय 2 कार्बन्स आल्सो, 3 कार्बन्स आल्सो। आई विल गिव एन एग्जांपल, सपोज मैंने ये लिया था, अब तुम सोचो मैंने यहाँ पे CH3 की जगह, काट रहा हूँ इसको, ठीक है, CH3 की जगह 2 कार्बन लिए होते, C2H5 लिया होता, यहाँ पे भी C2H5 लिया होता, तो यहाँ पे CH3 की जगह क्या आ जाता, C2H5 आ जाता, 5 कार्बन हो जाते। आ रहा है समझ? एल्काइल ग्रुप के हिसाब से यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन बाय 2-3, जितने मर्जी कार्बन बढ़ा सकते हो इसमें। क्लियर है सबको? तो अगर एसिड क्लोराइड तुम्हें गिवन है, एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड बनाना है तो सीधा रिएक्शन है रोजनमंड, कीटो बनाना है यूज डायलकाइल कैडमियम, एंड जस्ट रिमेम्बर द डायलकाइल कैडमियम विल कॉज असेंड ऑफ सीरीज, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन्स डिपेंडिंग अपॉन द एल्काइल ग्रुप यू आर एबल टू चूज इन दैट केस। अब ये 4 रिएक्शन पढ़े हमने, आराम से सुनो, अब इटार्ट, गेटरमैन कॉच, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट एंड यूज ऑफ डायलकाइल कैडमियम। अब तुमने जो जो पढ़ लिया मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यू हैव डन पेज नंबर 14, 15, 16, 17, यू हैव डन हाफ पेज किया 17, यू हैव नॉट डन 18, यू हैव डन 19, 20, 21, 22 में एक ही रिएक्शन तुम्हारे कोर्स में तुमने कर लिया है, तो हमारा आधा 17 पेज और 18 पेज रहता है। इफ यू कंप्लीट दैट, दिस इज योर 1 चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक। तो अब तुमने पढ़ाई की है, पूछू क्वेश्चन? यस नो? यस सर। 2-3 ही आंसर करेंगे, सबने पढ़ाई की है तो मैं पूछ रहा हूँ, जल्दी बोलो पढ़ाई की है नहीं की है? सर की। साहिश ने की है, और बस एक ही नहीं पढ़ा? यस सर। अक्षित, ओके, तो विल हैव, आई विल आस्क यू क्वेश्चन, तुमने क्या करना है, प्रोसेस इसमें बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, तुम चैट में आंसर भेजो, आई विल नो who knows, like let's choose first 5 correct answers, ठीक है, जल्दी से भेजना जो समझ आया तुम्हें। तुम्हें अगर IUPAC नेम नहीं आता तो उसका लिख देना, जैसे CH3CO ऐसे करके, मैं समझ जाऊंगा what is your answer, बोलना मत सिर्फ आंसर, ठीक है? तो I'll be using first 6 classes, I'll not ask any reaction from today's class, try करो, I'll give you the questions. लिखो आप,
मुझे जेड बताना क्या होगा। कर पा रहे हो? चार लोगों ने आंसर भेजा अभी तक, बाकी किसी को आता है नहीं आता है? देखो अगर अभी तक नहीं हुआ तो नहीं आता तुम्हें। इसमें एल्डिहाइड, मैं आंसर बता रहा हूं किन किन का करेक्ट है। एल्डिहाइड, अब आंसर मत भेजना ठीक है। एल्डिहाइड को जब तुम रिड्यूस करते हो, LLH4 causes reduction, it's the best reducing agent, क्या बनेगा? अल्कोहल। जिस पॉइंट पे नहीं समझ आएगा मुझे बताते हैं। अल्कोहल तो क्लियर है सबको? यस सर। इसमें HBr डालते हैं, पढ़ा है NSR? यस सर। वो H की जगह आ जाएगा Br, Br आ गया। KCN डालते हो फिर से NSR? सर कितने कार्बन हो गए? चार। ये कौन सा रिएक्शन है? ये वाला हेल वोलार्ड ज़िलिंस्की HVZ पढ़ा हुआ? HVZ सिर्फ एसिड में होता है, तो ये हाइड्रोलिसिस एसिड होगा। इस एसिड में चार कार्बन है। अब तुमने HVZ किया तो इसका एक अल्फा हाइड्रोजन हटके ब्रोमो आ जाएगा, ये तुम्हारा आंसर था। दिस योर आंसर, क्या नेम होगा उसका? 2-bromo-butanoic एसिड। आया समझ? बोलो अक्षित। सर मैं बस CH2 लिखना भूल गया था, बाकी मेरा ठीक है। नहीं तो मैं बता रहा हूं, तो इतनी जल्दी क्या है? अगर तू कुछ भी लिखना भूल गया तो सीधा पेपर में जीरो नंबर है, वैसे बता रहा हूँ, बिकॉज वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बदल जाएगा। अब तुम्हारे जिस इसका करेक्ट आंसर है मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ ठीक है। गलत आंसर तो मैं बोलना शुरू करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, सभी के गलत ऑलमोस्ट। तो यहां से शुरू कर रहा हूं मैं। पहला करेक्ट आंसर है अगम का, कार्बन गलत लिया यशिका ने, कार्बन गलत लिया, तीन कार्बन लिया उसने, चार है। तो तुम में से कहीं डबल डबल तीन तीन बार आंसर भेज रहे हो, एक ही बार ठीक भेज दो। वंशिका ने भी कार्बन गलत लिए, 5 पेंटेनोइक लिख दिया उसने। एक राघव का ठीक है आंसर, राघव ने एग्जैक्ट आंसर भेजा है, अगम ने ठीक भेजा है, 2-bromo-butanoic एसिड। अक्षित ब्रोमो COOH के साथ लगेगा, दूर लगा देगा तो कुछ और चीज बन जाती है वो,
ओके सर। साइशा ने पता नहीं क्या भेजा है, क्लोरो कैसे लगा दिया उसने, ब्रोमो दिया मैंने, अर्ची ने प्रोपोनोइक एसिड लिख दिया है, और कृष्णा ने 2-bromobutyric एसिड लिखा है। ठीक लिखा है कृष्णा, 3 बच्चों ने ठीक आंसर किया, कृष्णा, राघव और अगम। अगम फर्स्ट है इसमें से, अगम का आंसर सबसे पहले आया। कोई बात नहीं, गलती कोई बात नहीं, डोंट वरी, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। तुम नेक्स्ट क्वेश्चन करो, भूल जाओ इसको, ये आंसर तुम्हें मिल जाएगा, शीट तुम्हें मिल जाएगी, तुम अगला वाला ठीक करना, दिमाग लगाना, ठीक है। और मैं जिनके करेक्ट आंसर है बता रहा हूँ, इसका मतलब somebody is doing it correctly, that means it can be done in that much time, so you, that is something you have to learn. Second, अब ध्यान से करना, कर पा रहे हो, नहीं हो रहा, सर लास्ट वाले में एनएच कंसंट्रेटेड है, मैंने नहीं लिखा, अपना दिमाग लगाओ। यूज योर इंटेलिजेंस, कौन सा होगा एनएच? हो गया, यू नीड मोर टाइम।
सर। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, जिसका भी फी का इंस्टॉलमेंट नहीं आया बिफोर आई कमेंस द नेक्स्ट क्लास इट शुड बी डिपॉजिटेड। इफ यू नीड एनी डिटेल्स एनी पर्टिकुलर्स योर पेरेंट्स वांट टू कॉल मी इट्स फाइन बट इट हैज टू बी डिपॉजिटेड। अब जल्दी जल्दी करो, एक साल थोड़ा लगा देंगे इसमें हम, देखो अभी तक तुम लोग एक गलती कर रहे हो, काफी ने कोशिश की है, देखो इधर लेट्स सी। ये क्या लिया हमने यहाँ पे, अल्कोहल, अल्कोहल में KMnO4 डालोगे तो क्या बनेगा, एसिड, एसिड डाल, तो ये आया CH3 CH2 COOH। चलो अब भाई आंसर भेजना बंद कर दो, आंसर नहीं भेजना, यहाँ पे ध्यान दो एसिड आ गया, एसिड में मुनिया डाल के हीट करोगे क्या बनेगा, अमाइड, अमाइड। तुम सबको N तक आता होगा, तुम लोग N के बाद गलती कर रहे हो, अमाइड। KOH-Br2 कौन सा रिएक्शन है ये वाला, हॉफमैन ब्रोमाइड, तो ये अमाइन होगा। डिसेंड ऑफ सीरीज याद है सबको, पढ़ा हुआ डिसेंड ऑफ सीरीज, तो देखो मैं कार्बन लिख रहा हूँ, तीन 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 हॉफ एंड ब्रोमाइड गया तो दो रह गए, डिसेंड ऑफ सीरीज हो गया, अमाइन में एचएन डालते हो क्या आ जाएगा, अल्कोहल, यस सर, अल्कोहल आ गया, अल्कोहल में PCC डाला, एल्डिहाइड, कार्बन वाला एल्डिहाइड है, कितने कार्बन वाला एल्डिहाइड है, दो दो, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तीन अल्फा हाइड्रोजन है, अगर एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होंगे डाइल्यूट NaOH डालोगे तो कौन सा रिएक्शन देगा, एल्डोल, अगर इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो NaOH में कंसेंट्रेट लेता, तो मुझे खुद ही अज्यूम करना है कि डाइल्यूट ही होगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो इसमें एल्डोल हो रहा है। अब याद करो, तुमने से कईयों ने एल्डोल ठीक लिखा है, एब्सोल्युटली करेक्ट, वो एक चीज भूल गए, जब साथ में मैं हीट लिख रहा हूं तो एल्डोल में से क्या निकालना होगा, वाटर, उन्होंने वाटर नहीं निकाला, तुम लोगों का एल्डोल का प्रोडक्ट ये आएगा, विच मेनी ऑफ यू हैव गिवन करेक्ट आंसर, एल्डोल का प्रोडक्ट उन्होंने ठीक बनाया, इसका एल्डोल का प्रोडक्ट ये है, पर एल्डोल के प्रोडक्ट को जब तुम हीट करते हो तुम्हें याद है वाटर निकालना होता है, बताया था क्लास में, yes, sir. So you should have given the answer. It should be like this. This should have been your answer. The correct answer is this. Iska naam hai but 2N-Al. Al stands for aldehyde. Ye tumhara answer hai. Tum mein se bahuton ne answer diya hai 3-hydroxybutanol. Ye answer diya hai tum logon ne. But answer kyunki heat likha hua hai. Aldol ko heat karte hain to water nikal jata hai. कुछ ने जो आंसर दिया उनको खुद नहीं पता, पता नहीं कुछ भी लिख देते थे। अक्षय तू क्या लिख रहा है भाई, अल्कोहल कैनिजारो रिएक्शन कर रहा है, अगर उसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो कैनिजारो नहीं होगा एल्डोल होगा, कैनिजारो सिर्फ दो मॉलिक्यूल में होता है पूरी केमिस्ट्री में, मिथेनल और बेंजल्डिहाइड, बताया था मैंने, याद आ रहा है, यस सर। ऋतिका तुम्हें एल्डोल करके बताना है एल्डोल पूरा, ठीक है, सिर्फ एल्डोल नहीं लिख सकते हो, एल्डोल करना था। Yes. गायत्री ने ठीक लिखा आंसर, वाटर नहीं निकाला उसने, आंसर ठीक है। साइशे का बिल्कुल गलत है, उसने इसमें कैनिजारो कर दिया, कैनिजारो नहीं करना था एल्डोल करना था, उसमें अल्फा हाइड्रोजन है। यशिका का आंसर मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे बनेगा वो। वंशिका ने लिखा है 3-2-hydroxybutanol, 2-hydroxy लिखा है, 3 होना चाहिए, तो उसने एल्डोल किया बेसिकली। गगनदीप का हेक्सेनल कैसे आ रहा है उसको पता होगा, राघव का हेप्टेनॉल आ रहा है, कृष्णा ने ठीक लिखा है 3-hydroxybutanol, मतलब उसने एल्डोल तक किया है, वाटर नहीं निकाला, और अगम ने भी
थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल की है, वाटर नहीं निकाला। तो करेक्ट आंसर किसी का नहीं है बट बहुत क्लोज है, मतलब सब ने, चार पांच बच्चों ने यहां तक दिया ये आंसर उनका करेक्ट है। तो उनका एक स्टेप रह गया था कि वाटर नहीं निकाला, बाकी ठीक किया उन्होंने। तुम्हें समझ आया ये क्वेश्चन नहीं आया? अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा और NaOH लिखा है तो कैनी जारो नहीं कर देंगे हम, क्या करेंगे? एल्डोल। करो एक और क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है क्लास का। ये रिलेटिवली आसान क्वेश्चन है, गलत मत करना। बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन में दिस इज अ मच इजियर क्वेश्चन। हो गया, ये तुम लोग सच में कई गधे हो बिल्कुल। कार्बन काउंट नहीं करना, नहीं कार्बन ही काउंट करोगे तुम लोग? कितने कार्बन है उसमें जो दिया है मैंने, उसमें कितने कार्बन है? और यहाँ पे कितने कार्बन है इस पॉइंट पे? थ्री। मुझे बताओ कौन से रिएक्शन में कार्बन कम हो रहे हैं इनमें से, कौन सा वो बहादुर रिएक्शन है जो कार्बन कम कर रहा है इनमें से, ये बताओ मुझे। कहाँ हो रहा है डिसेंड ऑफ सीरीज, किसमें हो रहा है? इथेनॉल कहाँ से आंसर हो गया तुम लोगों का? कोई दिमाग लगाते ही नहीं है तुम में से, मूर्ख प्राणी हो तुम लोग। इसमें तीन कार्बन है, ये कौन सा रिएक्शन है पहला वाला? स्टीफेन क्या बनता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में KNO4 डालते हैं, क्या बनता है? एसिड। कार्बन चेंज नहीं हो रहे, एसिड में PCl3 PCl5 डाल दो, क्या बनता है? एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। तो ये एसिड क्लोराइड है, कितने कार्बन है इसमें? तीन। देयर वाज नो रिएक्शन इन दिस व्हिच कॉज्ड डिसेंट ऑफ सीरीज। एसिड क्लोराइड, PDBSO4, फिर से एल्डिहाइड आ गया, तीन कार्बन वाला। एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं तो क्या बनता है? अल्कोहल। यह आंसर है, तीन कार्बन वाला अल्कोहल होगा। क्या नाम है इस अल्कोहल का? प्रोपेन वन ओल। अल्कोहल में वन लिखना होता है क्योंकि वो टू पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी तो हो सकता था अल्कोहल, तो अल्कोहल में वन लिखना है। बट एनीवेज प्रोपेनॉल इज अ करेक्ट आंसर। इथेनॉल क्यों लिख रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा है।
समझ आया तुम लोगों को? यस सर। तीन तीन बार आंसर भेजना पड़ता है, पहले एक सोचता है फिर दूसरा सोचता है, एक ही बार ठीक करो। अगम का ठीक है प्रोपेनॉल, राघव का गलत है, गगन का ठीक है, राम का ठीक है, साइशा ने इथेनॉल भेजा, अक्षित इथेनॉल, कृष्णा प्रोपेनॉल, फिर साइशा ने ठीक करके भेजा प्रोपेनॉल, रितिका प्रोपेनॉल, यशिका प्रोपेनॉल, अर्ची प्रोपेनवानोल, एक ही ने लिखा है प्रोपेनवानोल, राघव प्रोपेनॉल अब ठीक किया है, गायत्री का ठीक है प्रोपेनॉल, अक्षित ने भी टिक करके भेजा है। अब समझ आ गया तुम्हें? यस यस। नेक्स्ट क्लास आई थिंक 8th क्लास है नेक्स्ट, वी आई थिंक हैव आइडोफॉर्म द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, तो उसके बाद हमारा वो 14 से लेकर 22 पेज कंप्लीट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट क्लास वी डू आइडोफॉर्म, और कोई डाउट्स वगैरह होंगे मुझे भेज देना। आई एम मोस्ट प्रोबेबली वी विल हैव यू ऑन द ऐप विद इन नेक्स्ट 2 डेज, तो उसमें मैंने जो चैप्टर में शुरू में डाल रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल में सॉलिड और सोल्यूशन आ रहा है, सॉलिड सोल्यूशन प्लस यू विल हैव फर्स्ट 10 to 15 क्लासेज ऑफ ऑर्गेनिक ऑन द ऐप, ठीक है, सो दैट व्हेनेवर यू वांट टू रिवाइज द प्रीवियस क्लासेज यू कैन डू दैट, ठीक है, ओके देन।